अब आपको लोकसभा की कार्रवाई दिखाएंगे क्योंकि हंगामेदार सेशन लगातार ये चल रहा है। एक बार फिर से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, सीक्रेट इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा हुई हो, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी का नाम लेके छेड़कर गरिमा और एक संसद की पता है वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है। अनाप शराब आरोप नहीं लगा सकते है। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर की। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग। हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए, आप तो अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोले, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले। अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करें तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी, अध्यक्ष महोदय मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब 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 आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो। आप पहले सर प्रस्ताव, मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। महोदय मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी ना इंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.